बिग बॉस के बारे में ये बताना चाहूँगा कि मुझे पता नहीं कितने कॉन्टेस्टेंट कहाँ कहाँ क्या कर रहे हैं, दो तीन लोगों को मैं जानता हूँ, मैं अभी कुछ भी टिप्पणी नहीं कर सकता, मुझे पता ही नहीं क्या हो रहा है। मुझे इसका काम अच्छा ही लगता है मोस्टली, बस मैं ऐसे इधर उधर की चीज़ों की टिप्पणी मारता हूँ, लेकिन बाकी तो सब सही है। अयो मतलब मेरे को कोई ऐसे भी कमेंट मिल सकता है कि आप नीत इसमें तुमने थोड़ा सा गड़बड़ किया? ऑलवेज ही सो सपोर्टिंग, कभी भी मेरा कोई भी प्रोजेक्ट आए ही इज द वन हू शेयर्स इट सबसे पहले, एंड यारी के टाइम आल्सो यू सपोर्टेड सो मच, ही पोस्टेड फॉर मी। ये भी सेम करती है, जब मेरा कोई भी चीज आ रही होती है तो पहले ये भी ऐसे शेयर करती है, फिर बोलती है अच्छा लगा नहीं लगा, देखो मुझे बताऊँ सॉन्ग जो है ना, ऐसे सॉन्ग्स बहुत सारे आते हैं, लेकिन वाई डू रिमेन इन आर माइंड्स बिकॉज ऑफ द केमिस्ट्री। और मुझे लगता है कि अवनीत ना वो जब भी किसी के साथ ऑन एयर पेयरिंग करती है, सम हाउ द केमिस्ट्री कम्स आउट वेरी नाइस एंड नेचुरल विद दिस विद द हीरो हियर एज वेल। इट्स द सेम थिंग, यू सी एंड यू डोंट फाइंड इट ऑकवर्ड, यू फाइंड इट जस्ट राइट। So that's a good part about it. That's a very sweet thing to say. Thank you so much. Thank you. बहुत ही amazing experience था and बहुत कुछ सीखने मिला और टीम वर्क सीखने मिला, स्पेशली पंजाब में जो इंडस्ट्री है बहुत ही स्वीट हैं सब लोग वहाँ पे। वंस आई रीच नॉर्थ आई फील लाइक इट्स माई होम एंड बहुत अच्छा लगता है। और बहुत मेहनत की है करण, मैंने सब लोगों ने पूरी टीम ने बहुत हार्डवर्क किया है, सो थैंक यू सो मच गाइज, इतना प्यार दिया। और भी प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, बिल्कुल शेयर कीजिए और सबको सुनाइए। हाँ जी, और जब तुम्हारा दिल टूट रहा हो तो गाना चलाओ और सुनो, मज़ा आता। यार हम तो ऑपोजिट्स पहन के आए हैं, आई एम फुल पंजाब इन द थीम ऑफ द म्यूजिक एंड शी इज फुल ऑस्कर।